dear student, as you know, we are discussing general features of animal kingdom. Now we are acquainted with symmetry, body plan and level of organization. Now next characteristic feature that we are seeing is germ layers. So germ layers kya hoti hai? There are certain cell layers. So germ layer kya hai? Basically ऐसी layers है जो किससे बनी हुई है? Cell से बनी हुई है. These are cell layers which are present in embryo. तो embryo जो होता है, कोई individual जब develop हो रहा है, womb में है या egg के अंदर है, तो embryo position में जब वो है, तो उस समय पे उसमें cell layers होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं germ layers. तो ये जो cell layers हैं, वो किस process के through बनती हैं? एक process होता है gastrulation. तो gastrulation means formation of layers of cell. तो gastrulation क्या है? Formation, process of formation of cell layers. तो अब ये cell layers जो है, होती कौन-कौन सी हैं? Cell layers, these are three in number: outer ectoderm and middle mesoderm और inner one endoderm. अब जो है इन लेयर्स का जो है काम क्या है, तो इस तरह से जैसे आउटर ये आ गई आपके पास एक्टोडर्म, उसी तरह से ये इनर वन जो है ये आ गई आपके पास मेसोडर्म, और इंटरनल टू दिस ये आ गई हमारे पास एंडोडर्म. तो इस तरह से तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और मेसोडर्म. तो इन लेयर्स का क्या काम है? ये सभी लेयर्स जो हैं पर्टिकुलर कुछ जो है ऑर्गन्स होंगे बॉडी के, कुछ ऑर्गन्स एक्टोडर्म बनाएगा, कुछ मेसोडर्म बनाएगा, कुछ एंडोडर्म बनाएगा. तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो बेसिकली इन्हीं तीन लेयर से बनते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें देखना है कि इन लेयर्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स में देयर आर सम लेयर्स प्रेजेंट और एब्सेंट, और किसी में ये तीनों ही प्रेजेंट होती है. तो उस बेसिस पे हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो डिप्लोब्लास्टिक ये वो ऑर्गेनिज्म है जहां पर सिर्फ टू जर्म लेयर्स ही प्रेजेंट हैं. तो टू जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं? ये है एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. तो इसीलिए इसका नाम है डिप्लोब्लास्टिक. डाई मीन्स टू, ब्लास्ट मीन्स लेयर. तो दो ही लेयर जहां पे हैं, और वो कौन सी हैं? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अप टू सीलेंट्रेटा. तो पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा जो है, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ट्रिपल मीन्स थ्री, ब्लास्ट मीन्स लेयर्स, थ्री लेयर्स. तो यहां पर कौन कौन सी लेयर होती है? आउटर एक्टोडर्म, मिडल वन मेसोडर्म, एंड द इनर मोस्ट वन एंडोडर्म. सो अब जो है सीक्वेंस याद रखना है फाइलम्स का जो मैंने कराया था, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिंथ एस्किहेलमिंथ एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा. तो ये सीक्वेंस किस बेसिस पे बना है? जो लोअर ग्रुप्स है वो कम स्पेशलाइज है, हायर ग्रुप्स की तरफ जाते हैं वो ज्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं. तो सिलेंट्रेटा के बाद के सारे जो ग्रुप हैं प्लेटीहेलमिंथ से लेकर के कॉर्डेटा तक, सभी जो एनिमल्स हैं दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मेड अप ऑफ थ्री जर्म लेयर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट जर्म लेयर्स. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिफेलाइजेशन. सो सिफेलिक, द सिफेलस टर्म, इट इज रिलेटेड टू हेड. तो यूटिलाइजेशन, डिफरेंशिएशन of a head at the anterior end of body is called syphilization.
तो सिफिलाइजेशन मींस सिंपल टर्म में हेड फॉर्मेशन, हेड की फॉर्मेशन. तो एंटीरियर एंड जो है बॉडी का, जैसे हमारे केस में ये एंड है, और जैसे मैंने आपको बताया था एक एनिमल का एग्जांपल, ठीक है, तो उसी तरह से एक हेड का, एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी पे एक हेड की डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है? सिफिलाइजेशन. तो ये जो हेड है इसमें क्या होता है, हेड जो है इट कंटेन्स ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स. तो कुल मिला के ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, बेटर अडेप्टेबिलिटी की तरफ जो है एनिमल्स को लेके जा रही है. एक एंटीरियर एंड पे एक ब्रेन है जो सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, सेंस ऑर्गन्स है जो अपने आसपास की चीजों को सेंस कर सकते हैं. तो हेड की फॉर्मेशन जो है एक नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन की ओर, तो दैट इज सिफिलाइजेशन. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज अपेंडिजेस. तो अपेंडिजेस क्या होती है, दीज आर सम स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, फीडिंग में हेल्प करती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं. लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में और फीडिंग करने में. तो अपेंडिजेस क्या है, स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द बॉडी, विच अराइज फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्प एनिमल एंड हेल्प the animal in locomotion, feeding and also in some cases in sensing the environment. क्योंकि कुछ cases में जो appendages होते हैं कुछ animals में, they are sensory in nature. तो in sensing the environment. तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप में किस तरह की अपेंडेजेस जो है वो पाई जाती हैं. सो मैंने क्या कहा, अपेंडेजेस क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जो मूव करने में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, और जो है हमारे पास फीड करने में हेल्प करते हैं. तो जैसे हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, दीज आर ऑल्सो अपेंडेजेस. तो हैंड्स जो है हमारा जो है हमें फीड करने में हेल्प करते हैं, और टांगे जो है वो लोकोमोट करने में हेल्प करती हैं. तो उसी तरह से हम देखेंगे वेरियस जो ग्रुप्स हैं उनमें हम किन चीज़ों को अपेंडेजेस कंसीडर करते हैं. तो ये सारी ही चीज़ें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो टेंटिकल्स जैसे हमने देखा था, एक मॉडल मैंने आपको दिखाया था, तो सिलेंडर टेंटिकल्स इन हाइड्रा जो है दे आर सेंसरी इन नेचर. वो जो है हाइड्रा को फीड करने में भी हेल्प करती हैं, और अपने आसपास जो है वो डेंजर को सेंस करने में भी हेल्प करती हैं. तो सिलेंडर टेंटिकल्स इन हाइड्रा आर कंसीडर्ड इट्स अपेंडेजेस. फ्लैशी पेरिपोडिया, फ्लैशी पैरापोडिया क्या होते हैं, पैरापोडिया आर पोडिया जो है फीट के लिए यूज किया जाता है. तो इस तरह का एक फैन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है नीरीस में इन केस ऑफ एनिलिड्स. तो वो भी एक अपेंडेजेस है. That is in case of nereis. Nereis is a annelid. उसी तरह से muscular foot जो है मोलस्का में, मोलस्का एंटीने एंड लेग्स. तो सबसे ज्यादा एंटीना जो आपने बचपन से सुना होगा, इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, तितलियां देखी होंगी, तो उनके एंटीना काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, या बीटल्स देखते हैं, कॉकरोचेस देखते हैं, तो उनके एंटीने एंड लेग्स जो है वो उनको फीड करने में भी हेल्प करती है. दे आर ऑल्सो सेंसरी इन नेचर और लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं. तो एंटीने एंड लेग्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सभी इंसेक्ट्स आते हैं. ट्यूब फीट, अब ट्यूब फीट जो है इसका नाम इस तरह का क्यों है, क्योंकि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब के जैसा, इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूब फीट. और ये ट्यूब फीट होती कहाँ है, स्टार फिशेज में जो आती हैं एकाइनोडर्मेटा में. तो स्टार फिशेज जो है कभी जो है स्टार फिश को एग्जामिन करना है या उसका कोई डायग्राम देखना है, जो है उसकी जो आर्म्स होती हैं उनके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं. तो लाइंस जो है वो किसकी है, एक्चुअली दिस आर ऑफ ट्यूब फीट. तो दे हेल्प इन लोकोमोशन. एकाइनोडर्मेट स्टार फिशेज में लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, ट्यूब फीट के थ्रू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. और फिन्स, फिन्स किस में होते हैं, मछलियों में, फिशेज में. बचपन से मछली का जो आप ड्राइंग बनाते होंगे, आप एक जो है विंग लाइक स्ट्रक्चर एक ऊपर बनाते हो, नीचे की तरफ बनाते हो, दैट इज द फिन. तो दे लोकोमोट विद हेल्प ऑफ फिन. तो फिशेज जो है
दे लोकोमोट विद हेल्प ऑफ फिन्स. फिर लिम्स एंड विंग्स, तो फिश के जो विंग लाइक स्ट्रक्चर उनको फिन बोलते हैं, उनको विंग नहीं कहेंगे. लिम्स किसको बोलेंगे? लिम्स हमारे केस में बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस के केस में दीज आर दी फोर लिम्स, और जो टांगे हैं उनको कहते हैं हाइंड लिम्स. विंग्स किस में होते हैं? बर्ड्स के केस में. तो लिम्स एंड विंग्स इन टेट्रापोड्स. टेट्रापोड्स में सभी आ जाते हैं, एम्फीबियन भी आते हैं, रेप्टाइल भी आते हैं, बर्ड भी आते हैं और मैमल भी आते हैं. तो टेट्रापोड्स में कौन कौन आए? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स दैट इज बर्ड्स और मैमल्स. तो एग्जाम्पल एम्फीबियन का क्या है? सबसे सिंपल फ्रॉग. तो फ्रॉग में भी देयर आर फोर लेग्स, टेट्रापोडा, फोर लेग्स नहीं सॉरी फोर अपेंडेजेस हैं. आगे वाली को फोर लिम्ब बोलेंगे, पीछे वाली को हाइंड लिम्ब बोलेंगे. उसी तरह से जैसे रेप्टाइल है, रेप्टाइल में सबसे सिंपल एग्जाम्पल है लिजर्ड का. तो लिजर्ड में भी यू मस्ट हैव नोटिस्ड देयर आर टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस और लिम्ब्स, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब्स. उसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में विंग्स होते हैं, और जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स जैसे चार्ट जो है आपके पास, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो चारों के चारों अपेंडेजेस को ग्राउंड पे रखते हैं, जैसे गाय वगैरह हो गया. और उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स, हम में भी वी आर ऑल्सो टेट्रापोड्स, बट हमारे जो है वो दो लिम्ब्स जो है वो ऊपर शॉर्ट है, रिटेन्ड है, और दूसरे जो है वो नीचे की तरफ है. तो मैमल्स के केस में भी फोर लिम्ब बोलेंगे हैंड्स को, और हाइंड लिम्ब बोलेंगे लेग्स को. हाइंड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अपेंडेजेस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल. वन मोर थिंग आई वुड एड हेयर, जो अपेंडेजेस होती हैं दे आर ऑफन पेयर्ड. ऑफन पेयर्ड मीन्स ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन देर आर सर्टन अपेंडेजेस विच आर अनपेयर्ड. तो अनपेयर्ड में हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? फिश के फिन का. तो फिश का जो आपके पास फिश में जो डॉर्सल फिन होता है, इस तरह से फिश की बॉडी है, यहां पर जो फिन होता है और जो उसकी टेल फिन होता है, जो कॉडल फिन होता है, दे आर अनपेयर्ड. फिश फिन्स आर अनपेयर्ड. कौन कौन से? कॉडल फिन एंड डॉर्सल फिन. तो फिश में इस तरह से यहां भी फिन्स होंगे, यहां भी फिन्स होंगे. तो लेटरल फिन्स दे आर पेयर्ड, डॉर्सल फिन इज अनपेयर्ड एंड कॉडल फिन इज अनपेयर्ड. तो ये हमारे पास अपेंडेजेस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विल टेक. सो इन ईच एनिमल देयर एग्जिस्ट सम सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन क्या है? इट इज द लीनियर, लीनियर और सीरियल रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ द parts of body. There are certain parts of body जो क्या करते हैं, जो सीरियली रिपीट करते हैं, सीरियली रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको दूंगी वर्टिब्रल कॉलम का. ह्यूमन्स के केस में अगर बात करें, रीढ़ की हड्डी में आपने देखा होगा जो 33 वर्टिब्रा होते हैं, सेम एक बोन है, फिर उसी तरह के 33 जो है एक दूसरे को पार्ट्स में वो सीरियली रिपीट करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? सेगमेंटेशन. तो सेगमेंटेशन जो है आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मींस वो सिर्फ बाहर से जो है वो सेगमेंटेड नजर आ रहे हैं. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के साथ साथ इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है. इंटरनल सेगमेंटेशन मीन्स जो इनर बॉडी पार्ट्स हैं वो भी रिपीट करते हैं. तो व्हेन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल सेगमेंटेशन, देन दैट सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. तो जब एक्सटर्नल और
इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों हो तो उसे कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और एक सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मेटामियर। मेटामियर मींस वन सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है, ये हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला ग्रुप जिसमें ये बहुत ब्यूटीफुली देखने को मिलता है इज एनिलिडा, देन इज आर्थ्रोपोडा, एंड देयर आफ्टर। सो एनिलिडा में सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं आपको अर्थवर्म का। अर्थवर्म जो है आप सभी ने देखा होगा, उस पे जो है उसकी जो बॉडी होती है उस पे रिंग्स से बने होते हैं। दैट रिंग्स दीज आर द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बाहर से सेगमेंटेड। लेकिन अगर आप उसको कट ओपन करोगे तो उसी तरह की सेगमेंटेशन आप उसके उनके इसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में भी पाओगे। उसके इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अपने आप को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेथीका होते हैं, टेस्टिस होती हैं उसकी, वो सेगमेंट वाइज जो है वो रिपीट करती हैं खुद को। तो दैट मीन्स द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स विद द इंटरनल सेगमेंटेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है अर्थवर्म। तो उसी तरह से जो हमारे पास जैसे कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स जैसे जिसमें हम आते हैं, तो हमारे में अगर बाहर से हम देखें तो सेगमेंट्स जो है इस तरह से इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते। लेकिन हमारी बॉडी में इंटरनल जो सेगमेंटेशन, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनका रिपीटेशन का एक पैटर्न है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम की मैंने बात की, उसी तरह से रिब्स की बात की, तो हमारे पास रिब्स जो हैं वो भी रिपीट करती हैं। नर्व्स की बात करूंगी मैं, मसल्स जो हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो सो देयर एग्जिस्ट इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो ये था हमारे पास सेगमेंटेशन, लीनियर और सीरियल रेपिटेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो वन मोर टर्म आई विल ऐड स्यूडो मेटामेरिज्म। तो स्यूडो मीन्स फॉल्स। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फॉल्स मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है टेवर्म। तो टेवर्म की डायग्राम जो है कभी देखी हो आपने, तो उसकी बॉडी भी इसी तरह से होती है, बहुत सारे सेगमेंट्स होती हैं, लंबा होता है ये बहुत ज्यादा। तो इस तरह से इसके जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। तो जो ये हमारे पास स्यूडो मेटामेरिज्म, हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटामियर्स हैं, ये जो डिवीजन्स हैं प्रोग्लॉटिड्स जो हैं, दे ऑलवेज जो उनकी जो ग्रोथ होगी वो हमेशा नेक रीजन पर ऐड होंगे। एक तो फॉल्स क्यों कहा, क्योंकि सेगमेंट्स जो हैं उनको सेगमेंट्स नहीं कहते यहाँ पर, यहाँ कहते हैं प्रोग्लॉटिड। तो प्रोग्लॉटिड जो है वो दे ऐड ऑन फ्रॉम द नेक रीजन। नेक रीजन से जो अब एक तो ऐड होते हैं, और ट्रू जो सेगमेंट है वो ध्यान रखना है वो एनल रीजन से ऐड ऑन होते हैं। तो एक तो ये बात, दूसरा जो ये जो सेगमेंट्स हैं जो प्रोग्लॉटिड्स हैं, इनका जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियोनिक नहीं है। नो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन मींस ओरिजिन, नो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का क्या मतलब है, जब हम इसका एम्ब्रियो देखें तो वहां पर किसी तरह की सेगमेंटेशन नजर नहीं आती है, ये बाद में डेवलप होती है, इसीलिए इसको बोला फॉल्स मेटामेरिज्म। जबकि जो ट्रू मेटामेरिज्म होता है उसमें एम्ब्रियो से ही आपको जो है अलग अलग सोमाइट से मेटामियर जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज सेक्स। तो मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं उनमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। तो ऐसे केस, ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल अलग हो फीमेल अलग हो, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। ये टर्म ध्यान में रखनी है, यूनि मीन सिंगल, तो यूनिसेक्सेस जो है सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें कि मेल, तो ये जो साइन है ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। तो एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें मेल फीमेल जो है वो दिखने में बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल पिजन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें हम नहीं बता सकते एक्सटर्नली देख के कि फीमेल पिजन कौन है और मेल पिजन कौन है। लेकिन अगर हम बात करें
ह्यूमन बीइंग्स की, या फिर जैसे कौ की बात करें हम, तो उस तरह से उसमें जो है हम डॉग की बात करें, उनमें हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं कि जो है मेल कौन है और फीमेल कौन है. तो दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, देर आर सर्टन केसेस इन विच सेक्सेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली. एक्सटर्नली कुछ फीचर्स देख करके हम पता लगा पाए कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो उस केस को, उस उन ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं देर इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स बाहर से जो है सेक्सेस जो है वो डिस्टिंग्विश हो सकते हैं. दूसरा, कई बार कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल और मोनोशियस. तो इस टर्म में जो है कंफ्यूज नहीं होना है. तो बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, ऐसा ऑर्गन, ऐसा एनिमल जिसमें वो ऑर्गन्स ऑफ बोथ सेक्सेस इन सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट है, मेल के भी और फीमेल के भी. अब इनमें होते हैं दो तरह के ऑर्गेनिज्म, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस. हम मान लीजिए बाइसेक्सुअल एनिमल तो है, लेकिन उसमें क्या है, बाइसेक्सुअल में फीमेल पार्ट भी उसी में है, मेल पार्ट भी उसी में है. लेकिन अब हम कहेंगे कि उनको पार्टनर की क्या जरूरत है, वो तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. उसी ऑर्गेनिज्म में एग भी होगा, उसी ऑर्गेनिज्म में स्पर्म भी होगा, फर्टिलाइजेशन इजीली हो सकता है. लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जो है कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, उससे वेरिएशन नहीं आती है, इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए इन्होंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस लाए हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे बन गए हैं कि उनमें जो मेल पार्ट है, बाइसेक्सुअल एनिमल का जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है. तो प्रोटेंड्रस मीन्स एनिमल्स इन विच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर्स अर्लियर. एनिमल्स इन विच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर्स अर्लियर एज कंपेयर्ड टू फीमेल पार्ट. तो इसलिए उस केस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्रस कंडीशन. तो एग्जाम्पल इसका है अर्थवॉर्म. तो अर्थवॉर्म में होती है प्रोटेंड्री. क्या होती है अर्थवॉर्म में, प्रोटेंड्री. उसी तरह से प्रोटोगाइनस, प्रो मीन्स फर्स्ट, गाइनस, गाइनस जो टर्म है वो फीमेल के साथ एसोसिएटेड है. तो डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही रहेगी. इसमें हम क्या लिखेंगे, एनिमल्स इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर अर्लियर एज कंपेयर टू द मेल पार्ट. इस कंडीशन वो एग्जैक्टली अपोजिट है प्रोटेंड्रस का. यहाँ मेल पहले मेच्योर हो रहा है, यहाँ पे फीमेल पहले मेच्योर हो रहा है. तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है एक तो साइकन का. साइकन जो है वो एक स्पॉन्ज है, पॉरीफेरन है, और दूसरा है सी स्क्वर्ट. तो ये दो है, ये जो है तीनों ही एनिमल बाइसेक्सुअल है, लेकिन सब में क्या है, इसमें मेल पहले मेच्योर होता है तो ये प्रोटेंड्री हुआ इसमें, और इसमें फीमेल पहले मेच्योर होता है तो ये प्रोटोगाइनस हुआ, या प्रोटोगाइनी जो है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, अर्थवॉर्म के केस में मान लीजिए कोई अर्थवॉर्म है, उसमें उसका मेल पार्ट जो है वो मेच्योर हो चुका है. कोई और अर्थवॉर्म होगा शायद, तो उसका मेल पार्ट, उसका जो है अब फीमेल पार्ट मेच्योर हो रहा होगा, मेल पार्ट उसका पहले मेच्योर हो गया है. तो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वहां पर हो जाएगी. तो एक जो है, एक और पॉइंट यहाँ पर, अगर बात करें रिप्रोडक्टिव रेट की, तो रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल इट इज 100%. ऐसा क्यों है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल पार्ट है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जबकि जहां पर यूनिसेक्सुअल और ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, यहां पर जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो होता है 50%. क्यों, क्योंकि सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो ही बेबी को बर्थ जो है वो दे सकती हैं. तो इसे इधर 50%, यहाँ पर 100% इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल.